हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हूँ आपका अपना अमर भारद्वाज। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2024 लेटेस्ट मॉडल रॉयल इनफील्ड हंटर 350 सेकंड टॉप मॉडल का ग्रे कलर। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस बाइक की 2024 लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस कितनी है, बाइक आपको कितने का माइलेज निकाल कर देती है, क्या कुछ अपडेट आपको सेकंड टॉप मॉडल के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, उसके बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की। 2,08,000 रुपये की आपको बाइक ऑन रोड मिल जाती है जयपुर सिटी के अंदर। इस बाइक के अंदर अभी अपडेट बात करूं तो E20 का अपडेट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। आने वाले टाइम में आप इस बाइक को इथेनॉल पेट्रोल से भी चला सकते हो। सेकंड टॉप मॉडल के अंदर आपको डीएल चैनल ABS भी मिल जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल से देखते हैं फ्रंट में आपको इस बाइक के अंदर क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो इसके फ्रंट में आपको नॉर्मल से मिरर देखने को मिलते हैं ब्लैक कलर फिनिशिंग के साथ में कुछ इस तरीके के। सबसे पहले मैं आपको इस बाइक की दिखा देता हूं। तो इस बाइक के अंदर आपको कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है। की के ऊपर आपको आरी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। चलिए करते हैं इस बाइक के इग्निशन को ऑन। जैसे ही आप इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हो तो इसके फ्रंट में आपको जो पार्किंग लाइट देखने को मिलती है लाइट है ऑन हो जाती है। हेलोजन हेडलाइट सेटअप के साथ में आपको बाइक देखने को मिलती है। इंजन स्टार्ट होते ही इस बाइक की जो हेलोजन हेडलाइट है ऑन हो जाती है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको इस बाइक का फ्रंट से मिल जाता है। साइड में आपको इस बाइक के अंदर नॉन फ्लेक्सिबल हेलोजन टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। एंड हजार्ड का भी ऑप्शन आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। आप इस बाइक के चारों इंडिकेटर को एक साथ ऑन कर सकते हो। इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। 41mm फोर्क 130mm ट्रेबल सस्पेंशन के ऊपर आपको रबड़ देखने को मिल जाती है। इस बाइक के जो आपको फेंडर है वो आपको फाइबर बॉडी पार्ट के साथ में देखने को मिल जाते हैं। सस्पेंशन के ऊपर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है दोनों तरफ। इसकी फ्रंट प्रोफाइल के अंदर आपको 300mm की डिस्क मिल जाती है। इस बाइक के अंदर आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं। इसके फ्रंट में टायर सेक्शन की बात करूँ तो 110/70/17 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। एंड अलॉय व्हील के ऊपर आपको रेड कलर के स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की साइड प्रोफाइल की। तो साइड में आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिलती है जो कि आपको स्टिकर के फॉर्म में मिलने वाली है कुछ इस तरीके की। एंड ये बाइक आपको ग्लॉसी कलर फिनिशिंग के साथ में मिल जाती है। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस बाइक की मिल जाती है। यहाँ पर आपको E20 का स्टिकर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की। तो इसके अंदर आपको 350cc का एयर ऑयल कूल इंजन मिल जाता है जो 20.21 BHP की पावर जनरेट करता है। 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक के माइलेज की बात करूँ तो बाइक आपको 35 से 40 का माइलेज निकाल कर देती है। टोटल 5 गियर्स आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं, 1 आगे और 4 पीछे। इस बाइक के अंदर आपको 181kg का कटवेट देखने को मिल जाता है। तो काफी लाइट वेट आपको बाइक मिल जाती है। इस बाइक के अंदर आपको किक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। इसकी साइड प्रोफाइल के अंदर आपको रॉयल इनफील्ड हंटर 350 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है जो कि आपको स्टिकर के फॉर्म में मिलने वाली है कुछ इस तरीके की। एंड इस बाइक की सीट हाइट की बात करूं तो 790mm की सीट हाइट आपको इस बाइक की मिल जाती है। सिंगल सीट ऑप्शन के साथ में आपको बाइक देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपकी हाइट 5'6" है 5'5" है तो भी आप इस बाइक को इजिली राइड कर सकते हो। आपको इस बाइक को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो बेसिकली शॉर्ट राइडर के लिए बाइक एक नंबर ऑप्शन हो जाती है। इसकी रियर प्रोफाइल के अंदर आपको पिलियन के लिए एडजस्टेबल फुट रेस्ट मिल जाते हैं। इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर आपको 6-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोडेड सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं कुछ इस तरीके के। इसके रियर में आपको 270mm की डिस्क मिल जाती है। सेफ्टी पर्पज के हिसाब से बाइक एक नंबर ऑप्शन हो जाती है। इसके रियर में आपको 140/70/17 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। तो काफी वाइड टायर के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की बैक प्रोफाइल की। 2-पीस ग्रेवल आपको इस बाइक की बैक प्रोफाइल के अंदर मिलने वाले हैं। इसके रियर में आपको गोल सी टेल लाइट देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके के। साइड में आपको नॉन फ्लेक्सिबल हैलोजन टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर एंड नंबर प्लेट माउंटर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अब बात लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इसके अंदर आपको डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको बेसिक से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, लो फ्यूल वार्निंग, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, न्यूट्रल लाइट, चेक इंजन लाइट, ABS लाइट, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, साइड में आपको आई बटन मिल जाता है जिससे आप इस बाइक के ट्रिबन ट्रिप टू एंड डिजिटल क्लॉक को भी एडजस्ट कर सकते हो। 120 किलोमीटर पर आवर्स की टॉप स्पीड मिल जाती है। साइड में आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट आपको इस बाइक का सुनने को मिल जाता है। तो ये था 2024 लेटेस्ट मॉडल रॉयल इनफील्ड हंटर 350 डैपर ग्रे कलर का एक स्मॉल सा रिव्यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहें।